भारत के सलामती काउंसिल के लिए इलेक्शन पर सवालिया निशान। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं, मोदी सरकार ने कश्मीरी अवाम पर जिंदगी तंग कर दी, दुनिया इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि हम आयरलैंड, नॉर्वे और मेक्सिको को अक्वामे मुतहदा की सलामती काउंसिल के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हैं, ताहम भारत के इंतखाब से बुनियादी सवालात उठते हैं। आयशा फारूकी ने कहा कि भारत सलामती काउंसिल की कई करारदादों की खुलम खुला खिलाफवर्जी करता है, जिनमें मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को हक खुद इरादियत देने के लिए अक्वामे मुतहदा की निगरानी में इस्तस्वाब राय कराने को कहा गया है। भारत ने 9 लाख काबिज फौज के साथ आला कश्मीरी कयादत समेत 80 लाख कश्मीरियों को महसूस कर रखा है। पाकिस्तान सऊदी अरब के इलाके खमीस में शहरियों को निशाना बनाने की हौसी बागियों की ताज़ा कोशिशों की शदीद मजम्मत करता है।